हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन देख लेते हैं। इनडेफिनेट का सार रिजल्ट पता है ना, डेफिनेट इंटीग्रेशन देख लो। डेफिनेट इंटीग्रेशन, इसमें डिटेलिंग नहीं करना है मुझे, केवल आपको बनाना सिखलाना है ना, लेकिन फिर भी कुछ ही सीखिए जरा। जैसे देखो, मैं मान लेता हूँ ऐसे, ये क्या आपका x एक्सिस है, क्या बाबू ये x एक्सिस, ये क्या आपका y एक्सिस, ये क्या ओरिजिन। मैं मान लेता हूँ कोई भी कर्व है, ऐसा समझाने के लिए कोई भी कर्व ऐसे, यहां से ऐसे चला है, ऐसे चला, ऐसे चला, सारे जगह वैल्यू दिया हुआ है। मैं मान लेता हूं ये वैल्यू है 4, ये वैल्यू हमने कंसीडर करा 8, यूनिट है एसआई जो भी रहा हो, ये क्या हमने कंसीडर करा 12, और ये हमने कंसीडर करा है 14। ऊपर क्या रहेगा, ऑब्वियस है, ये वैल्यू जो है मान लेता हूं 20 है, और नीचे भी क्या है -20। वाकई में डेफिनेट इंटीग्रेशन देता क्या है, एक कर्व हमने सपोज करा, ये कर्व क्या है y equals to f of x, y equals to क्या है f of x, ये फंक्शन का कर्व है या नहीं, एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, कर रहा है, क्योंकि x के हर एक पॉइंट के लिए यूनिक वैल्यू है कि नहीं y का, कोई प्रॉब्लम। तो अगर आपसे कोई पूछे कि पढ़े हो नाम सुने हो इसलिए मैं इतना सुना रहा हूं कि f of x dx, f of x dx बताइए कहां से कहां, 0 से 4, तो आपका मतलब क्या हुआ कि 0 से 4 तक f of x dx निकालना है, मतलब वो आपको f of x dx 0 से 4 जो निकालना है, 0 से 4 तक जो एरिया बनाया है ए y और x एक्सिस से, वही एरिया आपको निकालना है, याद रहेगा। तो ये क्या रहा, एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल रहा कि नहीं, 0 टू 4 अगर निकालोगे तो एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, यही पूछा है। डेफिनेट इंटीग्रेशन का मतलब हम लोग को x कहां से कहां वेरी कराना है, 0 से 4 ही तो वेरी कराना है, तो ये क्या है, कैसे बना होगा बताइए, अगर इसमें विजुलाइज़ करें तो छोटा छोटा ऐसे ऐसे dx dx मिल करके नहीं बना होगा, ये छोटा छोटा dx 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 ऐसे ही मिल करके ना बना है, ये क्या है, इसको मैं अगर dx बोलूं तो ये छोटा छोटा dx मिल करके ना सारा बना होगा। तो एरिया ऑफ सैटर निकाल सकते हो 0 टू 4, तो 0 टू 4 क्या रहा है बताइए, हाफ इंटू बेस, बेस कितना 4, इंटू हाइट कितना 20, ये कितना हो गया जी 40 यूनिट हुआ, क्या 40 यूनिट हुआ, कोई प्रॉब्लम। इतना बात तो पता चल गया, डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या देता है, एरिया ऑफ बॉन्डेड रीजन देगा, एरिया ऑफ बॉन्डेड रीजन, रीजन बॉन्डेड है तभी ना दिया, कोई प्रॉब्लम। 0 से 4 तक बोल देता है कि इसको इंटीग्रेट कीजिए केवल, तो पूरा एरिया रहता, इधर तो ओपन ही ना है, नहीं समझ आया। अगर मैं आपसे बोलूं इसी में किसका वैल्यू बताइए जरा, आप बताइए जरा, इंटीग्रेट कीजिए लेकिन 0 टू 8 कीजिए, एफ ऑफ एक्स डी एक्स बताइए, एफ ऑफ एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा बताइए आप। तो देखो क्या हो गया, यहां पे पूरा इसका एरिया निकालोगे, इसका एरिया कितना हो गया, ए वाला एरिया कितना निकाले हो 40, ये कितना है 40 यूनिट, ये एरिया आप निकाल सकते हो कितना 4 ना, और ये 20 कितना हो गया 80 यूनिट, क्या हो गया ये 80 हुआ, तो टोटल कितना हो गया, 0 से 8 जा रहे हो, 0 से 8 जा रहे हो, तो 0 से 8 कितना हो गया 120 यूनिट, जो एरिया निकालोगे वही ना हुआ, बात समझ रहे हो। अगर मैं यहीं पे बोल देता कि नहीं 4 टू 8 बताइए, 4 टू 8 f of x dx बताइए, क्या हो जाता बाबू आप बताइए, 80 यूनिट हो जाता, 4 टू 8 जाना है, 4 टू 8 ही ना जाना है, क्या हो जाता 80 यूनिट, क्लियर। अब अगर पूछता आपसे f of x dx अगर कहां से कहां, पूछ देता आपसे कि मान लेता 4 से 12, 4 टू 12, तो ये 80 यूनिट हुआ, इसका एरिया कितना हुआ जी बताइए 4 इनटू 2, ये 40 यूनिट हुआ क्या, और इसका अगर वैल्यू निकालिए तो कितना होगा, 20 यूनिट हुआ क्या, कोई प्रॉब्लम। ये एक्स एक्सिस से नीचे है ना, तो दिस एरिया विल बी कंसीडर्ड एज नेगेटिव एंड दिस विल बी पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, 4 टू 8 पूछा है, 4 टू 12 पूछा है, कहां से कहां पूछा है जी, यू हैव टू फाइंड f(x) dx फ्रॉम 4 टू 12,
तो 4 to 12, 4 से 12 जाओगे तो 80 plus 40, ए एरिया क्या लेंगे, -20 लेंगे, क्या लेंगे हम लोग 80 plus 40, और वो एरिया क्या लेंगे -20, क्योंकि वो एक्स एक्सिस से नीचे है। तो नीचे जो एक्स एक्सिस से नीचे जो एरिया आएगा वो कंसीडर कैसे करेंगे, उसको नेगेटिव कंसीडर करा जाएगा, कैसे कंसीडर करा जाएगा नेगेटिव। तो क्या हो गया बाबू बताइए, 80 40, ये 100 यूनिट हुआ क्या, बात समझ में आ रहा है, कोई प्रॉब्लम इसमें, कोई दिक्कत? हाँ गिवन रहेगा, क्या रहा 4 to 12, अभी बहुत कुछ समझाऊंगा टेंशन नहीं, 4 to 12 चला ना। और अगर यही f(x)dx अगर पूछ देता आपसे कहां से कहां, 0 से लेकर के 14 तक, 0 से 14 तक क्या हो जाता, 40 80 40 20, कितना हो जाता जी, 40 80 140। ये कैसे आ रहा पता चला अभी, 140। तो याद रखिएगा कभी भी अगर डेफिनेट इंटीग्रेशन की अगर बात कर रहे हैं हम लोग ना, तो वो क्या देगा, एरिया ऑफ सैडल रीजन। जैसे एक्स है, एक वाई है, एक कोई कर्व चला है, कोई भी कर्व चला है, मान लेता हूं ऐसे ये ओरिजिन है, यहां से कोई भी कर्व चला है ऐसे, ऐसे चला है। तो अगर कभी कोई बोल दे कि बताइए एक्स वेरी कर रहा है, किसका फंक्शन है, x का फंक्शन, y इज अ फंक्शन ऑफ x, एक डिफरेंट वैल्यू दे दिया आपको, चलिए बताइए कहां से कहां, यहां a है और यहां b, अगर यहां a है तो ये वाला वैल्यू क्या हो जाएगा जी, f(a) होगा, और a वाला वैल्यू क्या हो जाएगा, थोड़ा सा ऊपर दिखला देता हूं ताकि आप लोगों को फील आ जाए, यहां ऐसे दिखला देता हूं, तो ये क्या है, अगर b है तो ये वाला वैल्यू क्या रहेगा आपका, दैट इज व्हाट, f(b) Exact. तो जो एरिया जो निकला, कौन सा एरिया, यहां तक ये जो एरिया साइड निकलेगा, देख रहे हो ऐसे ऐसे, देख रहे हो यहां से ये ऐसा ऐसा छोटा छोटा स्ट्रिप बनते चला नहीं गया होगा, कितना इसका विड्थ है यहां से यहां dx, तो एरिया ऑफ साइड रीजन जो रहा वो यही ना रहा, देख रहे हो कि नहीं, पूरा एरिया निकलते जा रहा है, निकलते जा रहा है, निकलते जा रहा है, एरिया ऑफ सैटर रीजन कौन देगा, डेफिनेट इंटीग्रेशन, एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन, यहाँ पे क्या है बाउंडेड रीजन कैसा है, एरिया सैटर है ना, ए टू बी बाउंडेड रीजन, फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी क्या होगा, तो एरिया कौन बाउंड किया जी, एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन, ए वाई इक्वल टू एफ एक्स, किससे, एक्स एक्सिस, इधर से एक लिमिट आ गया, एक इधर से लिमिट आया, नीचे क्या है x एक्सिस है ना, और ऊपर क्या है y cos f(x), ये क्या रहा f(x)dx, अगर किए तो f(x)dx कहां से कहां, a से b तक, कोई प्रॉब्लम? तो अगर f(x)dx जैसे cos x का इंटीग्रेशन sin x, sin x का माइनस cos x, तो ऐसे f(x)dx, ये स्मॉल f यूज कर रहा हूं, f(x) रहा, तो इसका इंटीग्रेशन करने के बाद f(x)+c आता था ना, अब c कांस्टेंट हट जाएगा, एक कैपिटल f है, यहां कैपिटल f लिख रहा हूं, कौन सा लिख रहा हूं, कैपिटल, यहां स्मॉल f, तो ये क्या हो गया, ऐसे लिखेंगे, लोअर लिमिट क्या है a, अपर लिमिट क्या है b, अब जब पुट कीजिएगा तो f x कब, पहला b माइनस साइन के साथ आएगा, f कब, f, यही आंसर, यही डेफिनेट इंटीग्रेशन, दिस इज व्हाट डेफिनेट इंटीग्रेशन, बात समझ में आया, डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या देता है, एरिया ऑफ बाउंड्री रीजन, बस याद ये रखना है आपको कि जब भी जैसे ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो इधर वाला जो एरिया कंसीडर कीजिएगा और इधर वाला एरिया जब कंसीडर कीजिएगा, तो ए वाला एरिया आपको कैसा कंसीडर करना है, पॉजिटिव, और ए वाला एरिया कैसे कंसीडर करना है आपको, नेगेटिव। बात नहीं समझ आया, देखो होता क्या है कि मैं समझा पा रहा हूं या नहीं ये मैटर करता है, आप लोग समझने की कोशिश कीजिए, लेकिन अगर मैं नहीं समझा पा रहा तो मेरी भी गलती हो सकती है ना, मैं बार बार बोलता हूँ, हमेशा बोला हूँ, हर जगह बोलता हूँ, थोड़ा सा जो चापलूसी करता है उससे मैं दूर रहता हूँ, आप मेरे से कड़वे से पेश आइए, इन द सेंस की रेस्पेक्ट और रिगार्ड में रहते हुए एक मैनर वे में आइए, इनकाउंटर करो तो बहुत कुछ सीखो, बात समझ में आ रहा, याद रहा इंडिफिनिट इंटीग्रेशन में कोई बाउंडेड रीजन है ही नहीं, कोई लिमिट ही नहीं है, खत्म, ये पूरा चलते चला जाएगा तो उसका कुछ वैल्यू निकाल पाओगे,
लेकिन जब बाउंड कर दिया, एक्स का ही ना वैल्यू वेरी कर रहा है ए से बी तक जी, तो एक बाउंडेड रीजन हुआ ना, बाउंडेड रीजन का एरिया तो निकाला जाता है ना, तो बाउंडेड रीजन का एरिया ही तो देता है। तो आपको पहले ये समझाया गया, ये क्या पहले मैं ये समझाया, याद रखे ये चीज समझ में आया आपको अच्छे से। अब अगर ये समझ में आ गया तो ये आसान है, तो पहले उसको कॉपी कर लो फिर इस पे लौटो। जब हम लोग कुछ चीज समझ लेते हैं अच्छे से उसके बाद समझना और आसान हो जाता है। जब फिल आया, हाँ बोलो। ओ ये देखो जैसे एग्जांपल के तौर पर देखो ना, छोड़ हटाओ एग्जांपल, जैसे एक्स डी एक्स लिए कहां से कहां, जीरो से टू या जीरो से फाइव ले लो ना, ठीक है। एक्स क्या है, कोई फंक्शन है ना एक्स का, एक कुछ फंक्शन है ना एक्स का। अब इसका इंटीग्रेशन किए तो एक्स स्क्वायर बाई टू आया, तो ये भी तो एक्स का ही ना फंक्शन है, तो एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स आया होगा ना, एफ ऑफ एक्स कैपिटल एफ ऑफ आया होगा, ये भी एक फंक्शन आया कि नहीं आया, तो ए क्या एक्स स्क्वायर बाई टू, लोअर लिमिट जीरो अपर लिमिट फाइव, तो क्या हो गया बाबू 25 बाई टू माइनस जीरो बाई टू, तो 25 बाई टू नहीं हो गया। मतलब ए कोई फंक्शन है जिसका इंटीग्रेशन के बाद क्या आ रहा है, एफ ऑफ एक्स आया, जैसे एक्स का इंटीग्रेशन के बाद एक्स स्क्वायर बाई टू आया, जैसे साइन एक्स रहता तो यहाँ साइन एक्स लेते तो इसका इंटीग्रेशन के बाद कॉस एक्स आता है, इंडिफिनिट पढ़े हैं ना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर लो ना, एक एग्जाम्पल यहाँ ले लेते हैं, लो यहाँ पे आपने लिया साइन एक्स डी एक्स, क्या लिया साइन एक्स डी एक्स, कहाँ से कहाँ बोलो, पाई बाय टू से पाई ले लो या जीरो से पाई बाय टू लो, जो बोलो बोलो ना, चलो जीरो टू पाई बाय टू, कोई प्रॉब्लम। अब साइन एक्स का इंटीग्रेशन बताए, ये क्या है, ये एक्स का फंक्शन है ना जी, ये एक्स का फंक्शन है ना, ये कोई दूसरा फंक्शन है, मान लेता एफ ऑफ एक्स ए, तो कोई इंटीग्रेशन के बाद कोई दूसरा फंक्शन आया, वो कौन सा फंक्शन आया, माइनस कॉस एक्स आया, ये भी तो एक्स का फंक्शन ना है, वही कोई दूसरा फंक्शन लिखता जो इसका इंटीग्रेशन के बाद आया है, तो क्या एफ ऑफ माइनस कॉस ऑफ एक्स रहा क्या, बताइए अब क्या रहा, जीरो टू पाई बाई, तो पुट कीजिए क्या कीजिएगा, माइनस कॉस ऑफ, एक चीज और यहीं पे सीख ही लो, जब माइनस साइन आएगा तो लिमिट चेंज हो जाता है ना, माइनस साइन आएगा तो लिमिट चेंज हो जाएगा। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं कॉस एक्स लिख दिया मैं यहाँ पे, तो क्या होगा, जीरो ऊपर चला गया और पाई बाई टू नीचे आ गया, मतलब लोअर लिमिट अपर लिमिट हो गया और अपर लिमिट लोअर लिमिट, तो अब क्या रह गया बताइए आप, यहाँ खुद को खुद बता सकते हैं ना, क्या रह जाएगा, कॉस जीरो कॉस जीरो माइनस कॉस ऑफ पाई बाय टू, कोई दिक्कत। अब कॉस जीरो का वैल्यू पता है आपको, कॉस जीरो का वैल्यू कितना वन, पाई बाय टू का वैल्यू जीरो, क्या हो जाएगा जी बाबू, वन आया कि नहीं, समझ आया, कोई दिक्कत, तो प्रॉब्लम कहां से कहां इंटीग्रेट किए हो, जीरो से पाई, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या माइनस कॉस एक्स, कॉस एक्स आया लिमिट क्यों कन्वर्ट किए, क्योंकि माइनस साइन था ना, तो जीरो ऊपर चला गया पाई बाय टू नीचे आ गया, कोई दिक्कत, कॉपी करो। कहां से बाबू, ए फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ए वाला फोर टू ट्वेल्व, फोर से ट्वेल्व जो लिखा हूं, तो फोर से ट्वेल्व, अच्छा ये फोर्टीन लिखना चाह रहा था मैं, गुड, ये क्या लिखना चाह रहा था, फोर्टीन, फोर टू फोर्टीन मैं बताया हूँ, ये फोर से लेके फोर्टीन तक, फोर से अगर ट्वेल्व रहता तो कितना 120 यूनिट हो जाता ना, कोई दिक्कत है इसमें, बोला तो उस वक्त वही था लिखा गया वो ना, चलो खैर कोई बात, ये फोर टू फोर्टीन है ना, पहला अगर मैं बोल देता हूँ ऐसे समझाने के लिए, ले लिया वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर ले लिया, ठीक है, वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ अगर स्केच करोगे ऐसे, हटा दो इसको, डायरेक्ट इंटीग्रेशन में ले लो, एक्स स्क्वायर डी एक्स ले लिया, कहाँ से कहाँ, जीरो टू फोर ले लिया, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट करोगे तो इंटीग्रेट करो, क्या है, जीरो टू फोर इंटीग्रेट कर रहे हो ना, तो जीरो टू फोर इंटीग्रेट करो तो क्या होगा बताइए आप, खुद ब खुद ये एक्स क्यूब होगा अपॉन क्या थ्री होगा, लोअर लिमिट जीरो अपर लिमिट फोर, तो क्या हो गया बताइए, फोर का क्यूब अपॉन क्या थ्री माइनस जीरो का क्यूब अपॉन थ्री, क्या हो गया 64 अपॉन।
तंग आ रहा है, क्या हो गया 64 अपॉन हो गया कि नहीं। अब इसको अगर फिल करना चाहते हो तो लो मैं ग्राफ दिखा देता हूँ, ऐसे है वाई कोस टू एक्स स्क्वायर का कर्व ऐसे होता है जी, पैराबोला होगा, ये कौन सा पैराबोला होगा, अपवर्ड पैराबोला, ये एक्स है और ये क्या है एक्स डैश है और ये क्या है वाई है और ये वाई डैश, कोई प्रॉब्लम, कौन सा पैराबोला है अपवर्ड पैराबोला। अब कहां से कहां इंटीग्रेट कर रहे हो, यहाँ जीरो से लेकर यहां से चले हो ऐसे से कहां तक आएगा, यहां तक आएगा ये फोर हो गया, तो ये वाला वैल्यू कितना हो गया बताइए, अगर x का वैल्यू 4 तो y का वैल्यू 16 ना, तो ये जो एरिया जो निकला अभी देख रहे हो ऐसे छोटा छोटा स्ट्रिप मिलकर के बना होगा कि नहीं, ये जो ये वाला जो एरिया x एक्सिस से ही ना एरिया निकालना है, तो 0 से 4 ये वाला जो एरिया जो निकला वही कितना हो गया जी 16/3 64/3 समझ आ रहा है, वही एरिया ये किसका कर्व है, याद रखने कर्व किसका है y cos 2 x स्क्वायर का कर्व, बात समझ में आया, और लो ना एग्जाम्पल टू ले लेता हूं, जैसे मान लेता हूं साइन एक्स का कर्व तो तुम लोग जानते हो ना जी, साइन एक्स का कर्व क्या होता है याद करो, यहां से ऐसे चलेगा ऐसे, ये कहां जीरो से लेकर के कहां तक आया पाई बाई टू तक, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा ये बताओ, यहां से ऐसे आया क्या हो गया ये टू पाई, ये क्या है सॉरी ये जीरो से क्या होगा ये पाई बाई टू ना, और ये क्या हो गया पाई, ये क्या हो गया 3π/2, क्या है 3π/2, और ये क्या हो गया 2π, है ना, कोई प्रॉब्लम, ये वाला वैल्यू अगर बात करोगे तो y cos sin x का बात कर रहे हैं हम लोग, किसकी बात कर रहे हैं sin x का, तो ये बताओ यहां पे +1 मैक्सिमम वैल्यू होता है y का और -1 मिनिमम वैल्यू, हैव आई टॉल्ड यू दैट कांसेप्ट और नॉट, पढ़ाया गया है ना ये, अब बताओ आपको एरिया निकालना है, मान लेते हैं कहां से कहां 0 से पाई बाई टू निकाले हो अब तक, जीरो से पाई निकाल रहे हो कहां से कहां जीरो से पाई, तो अगर किसको इंटीग्रेट कर रहे हैं कर्व किसका है वाई कोस टू साइन एक्स का कर्व, वाई कोस टू क्या है साइन एक्स का कर्व, कौन सा कर्व है वाई कोस टू साइन एक्स का, तो अगर साइन एक्स का इंटीग्रेशन करोगे अगर साइन एक्स डीएक्स कहां से कहां जीरो टू पाई, कहां से कहां जीरो टू पाई, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन कीजिए तो कितना आएगा बताइए, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस एक्स होता है, कॉस एक्स की लोअर लिमिट अपर लिमिट याद करो माइनस साइन हटाते हैं क्या होता है कॉस एक्स, कहां से कहां पाई से, ऐसे ना हो जाएगा तब क्या हो गया बताइए कॉस जीरो डिग्री माइनस कॉस पाई, यही ना होगा बाबू, तो कॉस जीरो का वैल्यू 1 माइनस साइन है कॉस पाई का वैल्यू माइनस वन, तो बताइए तो क्या हो जाएगा ये 1+1 कितना हो गया जी 2 यूनिट, तो देखो तो जीरो से पाई बाय टू आप बनाए थे अब तक तो 1 आया था कि नहीं, तो यहां से यहां जो एरिया हो गया ना यहां से यहां ये जो एरिया हो क्या हो गया वो 2 यूनिट, क्या हो गया ये 2 यूनिट, एक बात समझ में आया, अब अगर तुम देखो जीरो से 2π करके देखो जीरो आ जाएगा, जीरो से 2π पुट करके देखो जीरो आ जाए क्योंकि इधर पॉजिटिव एरिया इधर नेगेटिव एरिया हो जाएगा कि नहीं, तो खुद ब खुद करके भी देख सकते हैं एरिया क्या हो जाएगा, समझ में आया, देखो क्या होगा x स्क्वायर का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या हो जाएगा बोलो बाबू, x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x³/3 प्लस x का इंटीग्रेशन x²/2 x³ का इंटीग्रेशन गुड क्या हो गया 3x, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट, जब लोअर लिमिट 0 दे देगा और x का सब फंक्शन है तो दूसरा तो 0 ही हो गया ना, तो पहले क्या करेंगे याद रखो अपर लिमिट पुट करना है, देखो 3³³ प्लस 3² / 2 प्लस 3 × 3 ये पुट कर दिए बाबू, फिर माइनस लोअर लिमिट पुट करोगे तो क्या करोगे 0³³ प्लस 0² / 2 प्लस 3 × 0, तो दिक्कत, अब बताइए तो क्या हो जाएगा 9 ना, ये क्या हो जाएगा 9/2 ना प्लस ये क्या 9, सॉल्व कर सकते हैं इसको, तो क्या हो जाएगा 45/2 हो गया क्या 40/2, क्लियर है, अच्छा अगर आपको इच्छा हो कि मैं ऐसे नहीं बनाना चाहता हूं आप इसको ऐसे चाहते हो टर्म बाय टर्म में तो ऐसे भी कर सकते हो, जैसे अगर इसी को आप ऐसे करना चाह रहे हैं कि टर्म बाय टर्म करें तो ऐसे लिमिट चलते चला जाएगा, देखो इधर लौट रहा हूं ना इसी का सॉल्यूशन कर रहा हूं, या फिर इधर बता दो इधर
चलो एक ये तो देख लिए तुम लोग, ठीक है। अब इसको दिखला देता हूँ, जैसे देखो अब इसको करना चाह रहा हूँ, तो आप चाह रहे हो कि सर ऐसे करें, तो ऐसे भी कर सकते, एक्स का डी एक्स रहा, लोअर लिमिट जीरो अपर लिमिट वन, फिर माइनस साइन आया तो माइनस साइन दे दिया, फिर क्या कीजिएगा टू एक्स डी एक्स कहाँ से कहाँ जीरो टू वन, फिर क्या प्लस सेवन डी एक्स कहाँ से कहाँ जी जीरो टू। आप ऐसे भी कर सकते हो, एक तो डायरेक्ट रहा कि इंटीग्रेट कर दिए लोअर लिमिट अपर लिमिट ले लिए, या फिर आप टर्म बाय टर्म पे भी लिमिट ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, एक ही चीज है, जैसे आपको अच्छा लगे। अब बताइए एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यू अपॉन थ्री, लोअर लिमिट जीरो अपर लिमिट वन माइनस टू, तो बाहर आ जाएगा ना, एक्स स्क्वायर अपॉन टू लोअर लिमिट जीरो अपर लिमिट प्लस क्या हो जाएगा सेवन बाहर आया, डेक्स का इंटीग्रेशन एक्स लोअर लिमिट जीरो अपर लिमिट वन पुट कर लेंगे, क्या हो जाएगा वन का क्यू अपॉन थ्री माइनस टू इंटू वन बाई टू होगा प्लस सेवन इंटू वन, तो क्या होगा बाबू ये वन बाई थ्री प्लस वन या माइनस वन वन प्लस सेवन, सॉल्व कीजिए क्या आएगा, थ्री एलसीएम ले लोगे, वन रहा माइनस प्लस सिक्स ना एटीन ना या नाइनटीन बाई थ्री, ये रहा क्या, ऐसे भी कर सकते कोई प्रॉब्लम, अच्छा सिक्स बना क्या, सिक्स बन जाएगा ना, सिक्स क्या हो जाएगा बताइए, साइन फोर एक्स है, साइन फोर एक्स का इंटीग्रेशन आता है ना आप लोगों, क्या हो गया माइनस कॉस फोर एक्स अपॉन फोर लोअर लिमिट अपर लिमिट फाइव बाई, साइन हटा दूं क्या, तो साइन हटाओगे तो क्या होगा वन बाई फोर बाहर आ गया, क्या बचेगा कॉस फोर एक्स, कॉन्स्टेंट को बाहर निकाल सकते हैं, कॉन्स्टेंट को बाहर निकाल सकते हैं, जीरो ऊपर चला जाएगा और फाइव बाई टू, तो क्या हो गया वन बाई फोर पुट कीजिए, क्या हो जाएगा ये कॉस फोर इंटू एक्स की जगह पुट करना है ना, कॉस फोर इंटू जीरो माइनस कॉस फोर इंटू एक्स की जगह क्या पुट करोगे फाइव बाई टू, बताइए वन बाई फोर रहा कॉस फोर जीरो वन ना ये जीरो कॉस जीरो ना माइनस बताइए तो टू से टू कटा कॉस टू पाई, बताइए कॉस टू पाई का वैल्यू कितना, कॉस टू पाई का वैल्यू कितना, कॉस टू पाई का वैल्यू माइनस वन, कॉस टू पाई का वैल्यू प्लस वन, मैं पूछ रहा हूँ कॉस पाई का वैल्यू, भगवान कॉस जीरो ना वन, कॉस जीरो वन, कॉस पाई माइनस वन, कॉस नाइनटी जीरो जीरो, ऐसे चलते रहेगा ना, तो जीरो डिग्री पे वन, तो कॉस टू पाई भी कितना वन, कॉस टू पाई भी कितना वन, तो क्या हो जाएगा वन बाई फोर इंटू क्या हो गया वन माइनस वन, समझ में आ रहा है ना, जीरो आ गया क्या, लेकिन जीरो आना चाहिए क्या, जीरो तो नहीं आना चाहिए, कैसे जीरो आ गया, कर लोगे क्या इंटीग्रेशन में गलत है क्या, कहीं इंटीग्रेशन में गलती नजर आ रहा है क्या आपको, साइन फोर एक्स का वैल्यू निकाले हो कहां से कहां निकाले हो, जीरो से क्या जीरो आना चाहिए क्या, अरे आएगा तो आया, क्यों नहीं आना चाहिए, तो क्यों नहीं आना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है समझ आया, जीरो ही आ रहा है ना, जीरो आ रहा है देख लो, जीरो आ रहा है, आएगा क्यों आएगा पता चल रहा है आपको, कॉस फोर एक्स आ गया, साइन फोर एक्स आया, साइन फोर एक्स जीरो आ रहा है, क्यों जीरो आ रहा है पता चला, साइन फोर एक्स का ग्राफ इंटीग्रेट करके बता दो, साइन फोर एक्स का बात कर रहे हो, जैसे देखो साइन एक्स है ना, देखो यहाँ साइन जीरो तो यहाँ पे रहा, देखो जीरो पुट कर रहे हैं बताइए खुद देखिए, जीरो रहा और यहाँ पे क्या पाई बाई टू रहा का, तो बताओ साइन जीरो का वैल्यू जीरो, साइन पाई बाई टू का वैल्यू पुट करो, तो साइन पाई बाई टू तो फोर इंटू पाई बाई टू ना, साइन जीरो का वैल्यू रहा, साइन जीरो का वैल्यू जीरो ना, अब बताओ साइन पाई बाई टू जा रहे हो या साइन कुछ भी वैल्यू, साइन का कोई पार्टिकुलर वैल्यू ले लो, साइन का कोई भी वैल्यू ले लोगे, मान लेते हैं साइन का जगह पाई बाई फोर ले लो, साइन पाई बाई फोर तो साइन पाई हो गया ना, साइन पाई बाई फोर देखो पाई बाई फोर है ना यहाँ पे,
तो पाई पर साइन पाई, अगर यहाँ पे पाई तो साइन पाई ना हो जा रहा है जी, एक्स के लिए पाई तो क्या हो जा रहा है, पाई, साइन पाई ना हो जा रहा है। साइन पाई का वैल्यू कितना, माइनस वन। साइन पाई का वैल्यू कितना, साइन पाई का वैल्यू, सॉरी साइन पाई का वैल्यू जीरो ना, साइन पाई का वैल्यू कितना जीरो। तो यहीं से ना बढ़ जा रहा है, देखो ऐसे जा रहा होगा, ऐसे जाकर के फिर ऐसे ना हो जा रहा है, अरे ऐसे जाकर के ऐसे हो जा रहा है कि नहीं। तो ए वाला पॉजिटिव वैल्यू रहा है, नेगेटिव वैल्यू रहा कि नहीं, तो जीरो नहीं होगा। नहीं समझ में आया, गुड। जैसे साइन एक्स का ही कर्व अगर इंटीग्रेट करते, जैसे यहाँ पे साइन एक्स था, याद है ना, ऐसे यहां से ले रहे हो, ऐसे ले रहे हो कि नहीं ऐसे, तो यहाँ पॉजिटिव या नेगेटिव है कि नहीं। तो जीरो से अगर पाई इंटीग्रेट करते, जीरो से टू पाई, तो जीरो नहीं हो जाता। तो वही चीज ना वहां पे हो रहा है। चलिए बहुत ज्यादा समझा दिया गया, क्लियर है, कोई दिक्कत। एक डिफिनिट इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन एवरेज वैल्यू निकालना है। जैसे अगर कोई बोले एवरेज वैल्यू ऑफ एक्स, एवरेज वैल्यू ऑफ एफ एक्स, ऐसे बोल दिया कहीं पे। अब इसका अगर मैं मान लेता हूं, जैसे ये देखो ये है, ये क्या है, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स है, और यहाँ पे क्या है, एफ ऑफ एक्स मतलब क्या, वाई ना, और यहाँ पे क्या है, एक्स है। कोई प्रॉब्लम, कोई भी कर्व है, ऐसे कोई कर्व ऐसे जा रहा है ऐसे, तो याद रखना अगर एवरेज वैल्यू निकालना है तो ए एरिया तो निकाल लोगे ना, और यहाँ एक्स वैरी कहाँ से कर रहा है, एक्स वन से लेकर कहाँ तक, एक्स टू तक। तो कभी भी इसका एवरेज वैल्यू अगर निकालना के लिए बोल दे कभी भी, तो याद रखना एवरेज वैल्यू ऑफ एफ एक्स, एफ ऑफ एक्स का एवरेज वैल्यू, वो कैसे निकालेंगे याद रखिएगा, इंटीग्रेट कीजिए एफ ऑफ एक्स डी एक्स को, कहां से कहां, एक्स वन से एक्स टू, अपॉन में क्या, ये कितना टाइम लगा या कितना एक्स टू माइनस एक्स वन का इंटर डिफरेंस क्या रहा, वो मैटर करेगा ऐसे। नहीं तो फिर आप इसको ऐसे सुधार सकते हैं, तो ऐसे लिख दिए डी एक्स कहां से कहां, एक्स वन से एक्स टू, इसको ऐसे याद रखिए। तो इसका मतलब क्या होगा, जैसे अगर देखो यहाँ पे ये बोल देगा कभी भी, और ये क्या रहा एफ ऑफ एक्स डी एक्स कहाँ से कहाँ, एक्स वन से एक्स टू, इसको अगर इंटीग्रेट कीजिए तो एक्स टू माइनस एक्स वन ही ना आएगा। आप नहीं समझ में आया, एवरेज वैल्यू किसी का निकाला जाता है। जैसे अगर मैं बोल दूँ, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर समझाता हूँ, समझिएगा जरा एग्जाम्पल, यहाँ पे दिखला दिया, क्या दिखला दिया बाबू, आई, क्या दिखलाया, करेंट, और यहाँ पे क्या दिखला दिया, टाइम, वहां पे क्या दिखलाया, वाई एक्सिस पे क्या दिखाया गया, करेक्ट, और यहाँ पे क्या दिखला दिया, टाइम। तो आई वर्सेस टी कर्व कोई दे दिया, क्या दे दिया आपको, आई वर्सेस टी कर्व दे दिया, कोई भी ऐसा इस तरह, टी वन है और ये टी टू है। तो अगर हम लोग को पूछ दिया कि एवरेज करेंट कितना रहा, आई एवरेज बिटवीन टाइम इंटरवल कहां से कहां, बिटवीन टी वन टू टी टू, टाइम इंटरवल बिटवीन टी वन टू टी टू, तो क्या करोगे आप, इसका एरिया निकालिए। तो एरिया निकालिएगा तो क्या कीजिएगा, ये आई ही ना है, आई इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो क्या हो गया, आई डी टी कहां से कहां, टी वन से लेकर के टी टू तक, अपॉन डी टी कहां से कहां, टी वन से टी टू, तो क्या हो गया ये बताइए, ये आई डी टी, ये एफ टी डी टी जो बोलना है, ये आई डी टी रहा कहां से कहां जी, टी वन से टी टू, और ये क्या रहा, टी टू माइनस टी वन। तो एवरेज वैल्यू जब भी निकालना हो तो आप ऐसे निकालेंगे, समझ में आ रहा है। तो एवरेज वैल्यू निकालते हो डिफरेंट इंटीग्रेशन का इंपॉर्टेंस है, इसको कॉपी कीजिए फिर मैं बता, ये आई इक्वल्स टू पढ़े होंगे आप लोग, आई नोट साइन ओमेगा टी, याद है, कौन सा करंट है, अल्टरनेटिंग करंट। दिक्कत नहीं है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप देखोगे अगर अल्टरनेटिंग करंट का कर्व स्केच करते हैं आप, अगर टाइम वैरी करा रहे हो ना, आई वर्सेस टी, याद करो क्या होता था इसका कर्व, पढ़ा हुआ है सारा चीज, ऐसे जाता है, ऐसे जाता है, क्या होता है, ये जीरो होता है, क्या होता है, हाफ टाइम पीरियड होता है, और ये क्या, फुल टाइम पीरियड। एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट ओवर अ फुल साइकिल इज जीरो,
एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करेंट ओवर फुल साइकिल इज जीरो. दैट इज वाई वी ऑलवेज इवेल्युएट एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करेंट ओवर हाफ साइकिल. याद है ना? तो अगर मैं बोलूं कि एवरेज वैल्यू निकालो, क्या है एवरेज वैल्यू निकालिए, एवरेज वैल्यू ऑफ गिवेन एसी, गिवेन एसी इन टाइम इंटरवल, इन टाइम इंटरवल 0 to T/2 हाफ तक. याद है ना? ये सब रिजल्ट पढ़े हो ना, टी इक्वल्स टू टाइम पीरियड किसके होता बाबू, 2π/ω, पढ़े ना सब, निकाल सकते फॉर्मूला. अगर जीरो टू तो आई एवरेज निकालना है आपको, क्या निकालना है आई एवरेज, तो क्या कीजिएगा आई डी टी कहां से कहां, जीरो से टी बाई टू. अरे यही ना, यहां पे इंटीग्रेट कीजिएगा तो टी बाई टू माइनस जीरो ही ना आएगा. कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? अब बताओ आई किसके बराबर है बताइए, आई नोट शाइन ओमेगा टी है, डी टी कहां से कहां, 0 to T/2. अब ये देखो यहाँ पे 2/T लिख सकते हैं कि नहीं, ये जो है इसको 2/T लिखा जा सकता है ना, टी बाई टू पर जाएगा तो 2/T नहीं लिख सकते हैं. अब बताओ यहाँ 2/T, 2 I0 बाहर आ जाएगा, बाय टी हो गया. अरे I0 बाहर, साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन पढ़े हो अभी, जस्ट पढ़ाया तुम लोग को, क्या कॉस ओमेगा टी माइनस अपॉन ओमेगा होगा कि नहीं, लोअर लिमिट अपर लिमिट कोई प्रॉब्लम? अब बताइए जरा यहाँ पे ये क्या है, 2 I0 upon T. अब ओमेगा भी बाहर आ जाएगा, अरे ओमेगा बाहर आया, अब कॉस ओमेगा टी है यहाँ पे, अगर प्लस कॉस ओमेगा टी लिख रहे हैं तो समझो जीरो ऊपर चला जाएगा, टी बाई टू नीचे आएगा कि नहीं आएगा, आपको समझ आ रहा है, टफ है, गुड. तो क्या हो जाएगा बताइए आप, 2 I0 upon T ω, अरे है ये पुट कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, कॉस 0 degree पहले माइनस कॉस ऑफ ओमेगा इंटू टी के जगह क्या टी बाई टू उठ कीजिएगा. अब देखो यहां पर मैं लिख रहा हूं आई एवरेज, देखो आई एवरेज क्या हो गया, 2 I0 upon T ω रहा, कॉस 0 का वैल्यू 1 माइनस कॉस ओमेगा टी के जगह क्या है 2π/T, 2π/T है कि नहीं जी, है ना, टी के जगह 2π/ω लिख सकते हैं ना, देखो 2π टी के जगह 2π/ω और 2 तो ऑलरेडी है ना, 2 रहा है, 2ω कट गया कि नहीं, तो क्या आया 2 I0 upon T ω आया, और यहाँ क्या 1 minus cos pi, cos pi का वैल्यू -1 होता है कि नहीं, तो क्या 4 I0 1 1 2 हो जाएगा ना, 4 I0 upon T ω हुआ कि नहीं. अब बताओ टी किसके बराबर पढ़े हो, 2π/ω पढ़े है ना, तो 4 I0 upon 2π/ω, ये ओमेगा है, ओमेगा ओमेगा कटेगा, क्या आया जी 2 I0 by π आया कि नहीं, याद करो ये एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट डिराइव किए हो तुम लोग कि नहीं, 12 बोर्ड में एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट 2 I0 by π ही ना आता है ओवर हाफ साइकिल, फुल साइकिल में तो 0 ना होता है, कोई प्रॉब्लम? देखो ना कितना आसानी से निकल गया, टफ निकला गया, टफ है क्या ऐसा? तो आपको कंसेप्ट डेवलप करना. अब बोलोगे सर इंटीग्रेशन क्या क्या जरूरत है, अगर इंटीग्रेशन आता तो सब आसानी नहीं है, बहुत आसान है, इज इट, समझ आया, डिराइव किए हुए रिजल्ट, डिराइव किए हुए रिजल्ट 12 बोर्ड किए ना हो गए जी, एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट पढ़े हैं ना, 2 I0 by π फेमस रिजल्ट होता था, एवरेज वैल्यू पढ़े होगे, RMS वैल्यू पढ़े होगे, सब पढ़े हो सब, अब नहीं पढ़े हो तो कुछ भी नहीं पढ़े हो, इज इट. तो इतना डेफिनेट इंटीग्रेशन जान गए ना आप लोग. अब देखो इंटीग्रेशन का बेसिक कंसेप्ट जो था वो क्लियर हो गया आप लोग, नीट के लिए इससे ज्यादा जानने की जरूरत है नहीं, कहीं जब जरूरत पड़ेगा तो बीच बीच में यूज करेंगे, ठीक है, उसी समय बगल में बता दिया जाएगा, फिर आगे बढ़ते रहेंगे. कैन आई स्टॉप राइट नाउ?